नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज क्लास नाइन्थ के गणित का प्रश्नावली 1.5 का सवाल बताने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, सवाल देख रहे हैं आप। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करें। तो यह दोस्तों आपका एनसीईआरटी बुक का 1.5 का दो नंबर सवाल है। देखिए सवाल आपका यहाँ पे दिया गया है, ये एक नंबर सवाल हो गया, ये दो नंबर सवाल हो गया, और ये तीन नंबर और ये चार नंबर सवाल है। तो चारों सवाल को बनाएंगे। देखिए इसमें कुछ आपका सूत्र का भी यूज होगा और आप एक बेसिक से बनाइएगा, तो सभी प्रश्न एक ही बेसिक से बनेगा। एक ही रूल है जो कि गुणा करना है, इससे इसके साथ गुणा करना है, इसके इससे साथ गुणा करना है। लेकिन एक वैसा सवाल है जिसमें कि आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए ये सवाल हमको साफ नजर में आ गया कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठेगा, क्योंकि इसका सूत्र देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है एक बार प्लस में और एक बार क्या होता है माइनस में। तो देखिए ये अगर यदि आपका ए हो गया तो ये हो गया आपका बी, इसे आप ए मान लेते हैं तो ये हो गया आपका बी। तो देखिए सेम ऐसा मिल रहा है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में मिल रहा है ऐसा। तो हम इसे इस तरह से बिल्कुल ऐसा ही हमें यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये बी हो गया। तो जब इस तरह से दिया हुआ है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इतना हमको दिया गया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया हुआ है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। आप यहाँ पे इसे सोल्यूशन लिख लीजिए, हो सके तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट इसे ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए ये ए हो गया, तो ए का यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस ये मेरा बी हो जाएगा तो बी का भी स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। चलिए स्क्वायर कर दिया, अब इसे क्या करेंगे, ये तीन का स्क्वायर हो जाएगा नौ और ये हो जाएगा माइनस, तो ये स्क्वायर से ये रूट जो है कि कट जाता है, समझ गए कैसे कटता है। अगर आप इसको दो बार भी लिख सकते हैं, रूट थ्री गुना रूट थ्री, क्योंकि दो बार है तो दो बार लिख देंगे। जब ये गुना होगा तो कल भी बताए थे आपको कि जब ये एक रंगा रहे, मतलब रूट के अंदर एक ही शब्द रहे, जैसे तीन है तो तीन है, तो इसका अगर गुना करिए तो कितना हो जाएगा, ये नौ हो जाएगा। लेकिन इसमें से आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि तीन गुना तीन, कि इसमें दो छुपाते हैं, दो दो मिला करके वो बाहर कर देते हैं, ना कि तीन हो जाएगा यहाँ पे। तो आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे तीन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गए, आप यहाँ पे डायरेक्ट इसका तीन लिख सकते हैं। तो देखिए अब नौ में तीन चला गया, घट गया, तो कितना बच गया आपका छः। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका छः, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो नहीं दिया गया दोस्तों, ये तो बेसिक से बनाए गए थे, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से दूसरा सवाल बनाएंगे। दूसरा सवाल आपका दिया गया है कि थ्री प्लस रूट थ्री और टू प्लस रूट टू, इसमें तो दोस्तों सूत्र नहीं बैठेगा क्योंकि ये अलग अलग है। तो इसे कैसे बनाएंगे, देखिए ये बेसिक नियम है, इस नियम से आप इसे भी बना सकते हैं। जो नियम इसमें लगाएंगे आप किसी में भी लगा करके बना सकते हैं, ये बेसिक नियम है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि इससे हम इसके साथ गुणा करेंगे, पहले वाले के साथ, फिर इसी से गुणा करेंगे इसके साथ। चलिए गुना कर देते हैं, तो तीन दुना छः हो जाएगा। अब इसी इसके साथ गुना करेंगे तो रूट के तो अंदर नहीं आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो पहले प्लस उतार लेंगे, इससे गुना इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री रूट टू हो गया। चलिए अब इससे तो दोनों को गुना कर दिया, अब बच गया ये, यानी कि प्लस है तो प्लस यहाँ पे लिख देंगे, और ये बच गया, अब इससे गुना इसके साथ करेंगे, फिर इससे गुना इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो देखिए इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा टू रूट थ्री, और फिर इससे इसके साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तीन दोना छ, यानी कि प्लस में तीन दोना छ रूट हो जाएगा, क्योंकि रूट रूट अंदर है तो रूट से गुना हो जाएगा। अब देखिए इसमें आप मिलाइए, क्या इसमें आपको कुछ मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो आप इसको आपस में जोड़िएगा। देखिए ये टू रूट, ये देखिए थ्री रूट टू, टू रूट है प्लस टू रूट थ्री है, तो ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, तो आपका आंसर जो है कि यही हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, ये आपका a प्लस बी का, देखिए तीसरा सवाल यहाँ पे लिख लेते हैं हम,
तीसरा नंबर सवाल है आपका रूट फाइव प्लस रूट टू पे होल स्क्वायर, जिसका आप लोग सूत्र जानते होंगे क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू गुना ए बी, टू गुना ए बी। तो चलिए इसको आप यहाँ पे लिख लिए, तब इसी तरह से ऐसा लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसा दिया हुआ है ऐसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं जी, दिखाई देता होगा, एक बार देख लेते हैं, दिखाई देता होगा तो ठीक है। चलिए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस टू गुना ए है, ए कितना है रूट फाइव और गुना बी कितना है रूट टू। तो अब इसको इसका जब पूरा करिएगा, स्क्वायर में तो रूट खत्म हो जाएगा, कितना उतर जाएगा पांच उतर जाएगा, प्लस इसका भी रूट खत्म हो जाएगा कितना जाएगा दो उतर जाएगा, प्लस अब ये गुना हो जाएगा, ये पांच दूनी दस यानी कि टू रूट दस हो जाएगा यहाँ पे। अब ये दोनों जुट जाएगा, पांच पांच दो सात और प्लस टू रूट दस, तो आपका आंसर ये आ गया।